A very good morning to all my dear students. Welcome to An Academic platform. How are you guys doing? मेरा नाम है रचन सिंह पहुजा एंड आई एम अ जूलॉजी एक्सपर्ट. आप मुझे एवरी डे मिलते हैं अन अकेडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम मॉर्निंग में वी ट्राई टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. वी सॉल्व लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाया मेंटी क्विजेस. साथ ही में इवनिंग में वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज दैट इज नीट लाइफ डेली 2.0, जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में सारी की सारी थ्योरी कवर करते हैं क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th. अब आप सबके पास टेलीग्राम ऐप है. टेलीग्राम ऐप का एक पॉजिटिव यूज बताती हूँ. क्या करना है आपको, ब्राउजर में जाना है, डालिए livedaily.me/chat. व्हेन यू विल एंटर दिस लिंक इट विल टेक यू टू आवर अन अकेडमी नीट ऑफिशियल चैनल. व्हेन यू विल गो टू दिस चैनल डू ज्वाइन दिस, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सारे सेशंस के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यू गेट ओवर दिस चैनल. साथ ही में आप हमारी प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस पीडीएफ्स भी देख सकते हैं बाय गोइंग ऑन दिस लिंक दैट इज livedaily.me/neet. ये एक तरीके की लाइब्रेरी है. उस लाइब्रेरी में आपको सारे पुराने लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिल जाएंगे. वीडियो फॉर्म में देखना चाहते हैं वीडियो में देखिए, नहीं तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं. अब बात करते हैं बच्चे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की. सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी क्लासेस किस फॉर्म में होती हैं, लाइव फॉर्म में होती हैं. ऑल द क्लासेस दे टेक प्लेस इन लाइव फॉर्म. आप अपने टीचर को देख पाएंगे, यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर, आप उनसे डाउट पूछ पाएंगे, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर पाएंगे क्लास के दौरान. दूसरी चीज, क्लास के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ पोल्स. अब पोल क्या चीज है, बिल्कुल मेंटी की तरह जैसे हम मेंटी में टाइम बाउंड क्वेश्चंस करते हैं, वैसे ही इन दिस दीज पोल्स अ स्पेसिफिक टाइम इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दैट टाइम ओनली. अब इससे आपकी तैयारी होगी कम समय में आंसर देने की. और इस पोल के बाद एक लीडर बोर्ड जनरेट होता है, दैट लीडर बोर्ड टेल्स यू अबाउट योर पोजिशन इन द होल क्लास. है ना, क्लास में तो हमें पोजीशन पता चल गई, व्हाट अबाउट पोजीशन ऑल ओवर द इंडिया. देखो हमारा कंपटीशन तो उन 16 लाख स्टूडेंट्स से है, तो उसके लिए हमारे पास है टेस्ट सीरीज. नाउ दिस टेस्ट सीरीज इज गिवन बाय वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री. सो इफ यू विल आल्सो अपीयर इन दिस टेस्ट सीरीज यू विल गेट योर ऑल इंडिया रैंकिंग. प्रैक्टिस सेशंस है, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर है, कितनी मेहनत और करने की जरूरत है और किस जगह पे वो हार्डवर्क चाहिए. बिकॉज इस टेस्ट सीरीज में होता है प्रॉपर एनालिसिस. दैट एनालिसिस विल टेल यू, दैट एनालिसिस विल टेल यू कि आपने टेस्ट में फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है. अब टेस्ट सीरीज के बाद देयर आर सेपरेट क्लासेस डेडिकेटेड ओनली फॉर डाउट सॉल्विंग, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं बच्चे. जैसे पढ़ाया लाइव क्लास में जाता है, डाउट्स के लिए सेपरेट क्लास रखी जाएगी जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यू हैव टू पोस्ट योर डाउट इन द क्लास. वो डाउट पहुंच जाएगा उसी वक्त टीचर के पास एंड टीचर विल रिजॉल्व योर डाउट राइट देयर. आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से डाउट क्लास में पहुंच गया है, द स्नैपशॉट ऑफ द डाउट एंड द टीचर इज रिजॉल्विंग इट एंड द होल क्लास प्लस यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट. अनदर थिंग बच्चे, दैट इन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू कैन अटेंड एनी वन्स कोर्स. जितने भी प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप किसी भी एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. देयर इज नो बार, देयर इज नो बार. तो एक सब्सक्रिप्शन से सारे के सारे ताले खुल जाएंगे. कैसे लेनी है अभी सब्सक्रिप्शन, डाउनलोड करिए अन अकेडमिक लर्निंग ऐप, जाइए प्लस पर, प्लस में आएगा नीट यूजी, देन नीट यूजी इज अ कोर्स, उसमें जाइएगा, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. व्हेन यू विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन यू विल सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज, 1 month, 3 month, 6 month, 24 month और 12 month. अब आपके लिए कौन सा कोर्स एप्ट है, देखो बच्चे अगर तो आप किस क्लास में है, 11th में है, आपने 2022 वाला नीट देना है, उसके लिए आपको कम से कम 2 साल तो डेडिकेटेड तरीके से प्लस एजुकेटर्स के अंदर, उनकी गाइडेंस के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी. सो फॉर यू द कोर्स इज 24 month कोर्स. अगर आप किस क्लास में आ चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, या फिर आप ईयर ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन 2021, देन द कोर्स फॉर यू इज 1 year कोर्स. और अगर आप कॉस्ट वाइज भी देखेंगे सबसे रीजनेबल, सबसे कम अमाउंट किस कोर्सेज में है, दैट इज 2 year एज वेल एज 1 year कोर्स.
जो बच्चे हमारे साथ क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। आप जो भी कोर्स लेंगे ना, इस अमाउंट पर, टोटल अमाउंट पर आपको एडिशनल ऑफ मिल सकता है। कितना? 10% एडिशनल ऑफ इफ यू विल यूज दिस कोड, दैट इज सी लाइव। ये कोड यूज करिएगा ऑन योर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन टू गेट एडिशनल 10% ऑफ। लेट मी सी हु ऑल हैव जॉइंड अस एंड चलते हैं हमारी मेंटी पर। कोड आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया होगा, मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। द कोड फॉर टुडेज मेंटी इज 13 35 16। कम ऑन, फास्टली जॉइन। I feel really sorry for little bit delaying today's session. There was a technical glitch जिसको हमें solve करने में थोड़ा सा time लग गया था, but yes, we have solved it and we are back live. So who all have joined us? We have Akshita, Yoro Music, Shruti, good morning, Obesh, Rahul, Nia, Kartike, Ashok, Devidas, Power Star, Rohit, Sanjay, Mansi, Abhinav, Zoya, lots of students have joined us. Menti code aap sabki screens par hai. The code is 13 35 16. Ab kaise join karna hai? Dekhiye, aapko do cheeze karni hai. Ek to aapko YouTube side by side dekhna hai for the leaderboard. Saath hi mein jo questions ke answer dene hai wo Menti par ja kar dene hai. Kaise karenge? Aap YouTube ki app mein YouTube dekhiye. साथ ही में क्रोम में जाइए, गूगल क्रोम में जाइए, वहां पर डालिए menti.com, वो आपसे कोड पूछेंगे, कोड में डालिएगा 13 35 16, देन यू विल सी द सेम स्क्रीन एज वी आर सीइंग हियर। ठीक है, डाल लिया सबने, स्टार्ट करें विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट 30 सेकेंड्स। कुछ क्वेश्चन बड़े हैं उसमें मैंने आपका टाइम बढ़ाकर 40 सेकेंड्स कर दिया है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन द टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी 30 सेकेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनैप्स दे आर करेक्ट एक्सेप्ट द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स। Transmission of impulse across this synapse is very similar to the impulse conduction along the single axon. Impulse transmission is always faster than that across a chemical synapse. Electrical synapses are very common in our body. आपसे पूछा है which one of the following is not correct? है ना, not correct पूछा था। Time हो चुका है। अब correct answer था option number 4। बिल्कुल ठीक बच्चों, बिल्कुल ठीक। ये देखिए, ये question था। So all the statements about electrical synapse they are correct except that means they are asking about incorrect statement, है ना? So पहला पूछ रहे हैं the membranes of pre and post synaptic neurons are in very close proximity, which is absolutely true. जो electrical synapse है उसमें जो pre synaptic neuron होता है, साथ ही में जो post synaptic neuron होता है उसमें जो gap है, that gap is highly less. तभी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ तक पहुंचा है दैट विल रीच टू द नेक्स्ट न्यूरॉन इफ द गैप इज लेस। अगर गैप बढ़ा देंगे तो हमें एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एडिशनल हेल्प कौन प्रोवाइड करता है? द केमिकल्स, द न्यूरोट्रांसमीटर। तब तो वो केमिकल साइनैप्स बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस दिस साइनैप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल एक्सॉन में इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, सोडियम चैनल्स दे आर ओपनिंग, पोटेशियम चैनल्स दे आर ओपनिंग, द सेम वे व्हेन द सोडियम चैनल्स ऑफ द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स सोडियम गेटेड चैनल्स दे विल ओपन, जिसकी वजह से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा, तभी क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन पूछा है इम्पल्स ट्रांसमिशन इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द केमिकल साइनैप्स, जो भी क्या है हाईली ट्रू, फास्ट तरीके से होगी, क्योंकि जब केमिकल नहीं चाहिए तो जिस फॉर्म में इम्पल्स आ रही है उसी फॉर्म में आगे जा रही है, तो टाइम क्या है? कम लग रहा है। देन बोला है इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस आर वेरी कॉमन इन आवर बॉडी, दिस इज फॉल्स। कॉमन वाले साइनैप्सेस कौन से हैं हमारी बॉडी में? केमिकल, नॉट द इलेक्ट्रिकल। So this is our leaderboard after first question, that is Mr. Sonu, Hiba, Abhinav, Pranay, Himanshu,
नेक्स्ट है डॉक्टर चारू एंड पायल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसोसिएशन एरियाज इन द सेरिब्रम। एसोसिएशन एरिया से रिलेटेड करेक्ट बनाना है। इट कंटेन्स लार्ज रीजन विच आर सेंसरी। It is present in cerebral cortex. It is responsible for simple functions of brain. It is present in rhomboid cephalon. आपको बताना है which of the following is correct. 8 seconds अभी भी है आप सबके पास. We still have 8 seconds. And बच्चों last 3 seconds. Correct पूछा था. Correct statement सिर्फ कौन सी थी? Option number 2, 1 नहीं था. ये देखिए, this is a question. So which of the following is correct? पहले दिया हुआ है association area के बारे में पूछ रहे हैं. It contains large region which are sensory. देखिए इसके पास sensory region भी है, इसके पास motor region भी है. तो अकेला sensory बोलना गलत हो जाएगा. It is present in cerebral cortex, which is absolutely correct. It is responsible for simple functions. No, बच्चों, it is not responsible for simple. यहाँ पर the major function is to create the memory, है ना? जो जितने भी आपके experiences हो रहे हैं, उसको memory में convert करने का काम किसका रहेगा? This association area. And it is not present in rhomboid cephalon. It is a part of your forebrain, जिसमें आप gyri sulci देखते हो, grey matter देखते हो. So that part of your cerebrum where you see the grey matter, that is called as association area. So the only correct option is option number B. Okay, so on the topmost position, we still have Mr. Sonu, Hiba, Payal, Pranay, Dr. Charu, कुछ नए बच्चे भी आए हैं, ज्योति शुक्ला, Ninja, Prasoon and Himanshu. Next question. So Louis Joy Brown is an English woman who was the first test tube baby. She was born by the process in which? Test tube baby का process बताना है आपको simple language में. Fertilization is external and fetus formation is internal. Fertilization is internal and fetus formation is external. Both fertilization and fetus formation are internal, or both fertilization and fetus formation they are external. Simple sa question. Bahut hi simple sa question. 5 seconds hai. First test tube baby. Right. The correct answer was option number 1. ये देखिए, ये दिया हुआ था आपको. So Louis Joy Brown was the first English woman who was the first test tube baby. अब इसमें बच्चे, test tube baby आप जानते हैं, it is formed by the process of in vitro fertilization. In vitro, that means in artificial medium. क्या चीज artificial medium में? F, that is fertilization. तो फर्टिलाइजेशन बच्चे होती है बॉडी के बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में, और फिटस फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? अंदर. आइदर हम जायगोट को डाल देते हैं फिलोपियन ट्यूब में, लेकिन अगर 32 सेल स्टेज क्रॉस हो चुकी है, देन वी पुट दैट, देन वी इंसर्ट दैट इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल. सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 1. आई फील हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट यहाँ पर हम यूनिटी बना कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question guys, multi-load 375 acts as contraceptive device because kya reason hai? It prevents ovulation, it releases progesterone hormone, it releases copper ions which suppresses the sperm motility and the fertilizing capacity, it decreases the sperm motility and increases the sperm motility. Ye D wale option ko aap discard kar dijiye, ABC mein se hi answer dijiye. Answer me among ABC only. It prevents ovulation, it releases progesterone or it releases copper ions. Easy kar diya maine aapke liye. Yes, the correct answer is option number 3. Maine bola tha D ko discard kar dena, but D ke liye bhi bahut sare humare paas entries aa gayi hai. So multi-load 375 is an example of copper based intrauterine device. और आप जानते हैं कॉपर बेस्ड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस किस तरीके से काम करती हैं. दे रिलीजेस कॉपर आयंस एंड दीज कॉपर आयंस दे डिक्रीजेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड दे इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म.
जो डी में था उसमें इंक्रीज में आना था फैगोसाइटोसिस, बट नेवर माइंड, हमने थ्री ऑप्शंस में से देखा एंड थ्री में से ओनली वन वाज करेक्ट. एंड ड्यू टू दिस कॉपर आयन स्पर्म की जो स्पीड है, जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी, दे वोंट बी एबल टू रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज हाउ वी आर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी. मूविंग ऑन टू आवर लीडर बोर्ड. तो हमारे पास है, हमारा लीडर अब हो चुका है चेंज. वी हैव न्यू स्टूडेंट्स लाइक पायल, वेरी गुड, प्रणय, हिमांशु, प्रसून, ज्योति शुक्ला, डॉक्टर चारू, कृष्णा डिवोटीज. यस, सम पीपल दे आर सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी टुडे, सो वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल. देन ऋषि भारद्वाज, शामी एंड डॉक्टर समृद्धि. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is incorrect about the uterine wall? Pehla diya hua hai perimetrium, it is the outer covering of peritoneum. Myometrium, middle thick smooth muscle layer. Mesometrium, smooth muscle layer below myometrium. And endometrium, inner glandular layer that lines the uterine cavity. Bahut hi easy, direct question hai. Incorrect batana hai uterine wall se related. 6 seconds है आप सबके पास. टाइम हो चुका है. आप करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर 3. किस वजह से ये करेक्ट आंसर था ये देखिए. दिस वॉज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पूछा गया था आपसे. देखो आपकी यूट्रस की वॉल की 3 लेयर्स होती है. सबसे बाहर वाली लेयर की बात करें, दैट इज कॉल्ड एज पेरिमेट्रियम, राइट, विच इज द आउटर थिन कवरिंग. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू. देन इसके अंदर देयर इज अ लेयर, देयर इज अ बिग स्ट्रॉन्ग थिक लेयर ऑफ मसल, स्मूथ मसल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मायोमेट्रियम. तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू. देन इनर टू मायोमेट्रियम वी हैव अ ग्लैंडुलर लेयर, इस तरीके से ग्लैंडुलर लेयर होगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं एंडोमेट्रियम. तो लास्ट वाला भी क्या हो गया, एब्सोल्युटली ट्रू. द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, राइट. We have got Payal again on top, then Pranay, Himanshu, Jyoti Shukla, Prasoon, Dr. Charu, Himanshu, Dr. Samriddhi and Ninja. Next question, the correct statement of cleavage in humans is, correct batana aapko, it's a process to convert zygote into gastrula. It starts while the fertilized egg is in the fallopian tube. It is identical to normal mitosis, or it starts when egg reaches the uterus. You have to select the correct statement. Four seconds. करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर 2. ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था आपके लिए. सो द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लीवेज, नाउ क्लीवेज टर्म इज गिवन टू द सेल डिवीजन व्हिच टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. उसको हम बोलते हैं, जायगोट में जो डिवीजन हो रही है उसको हम बोलते हैं क्लीवेज. सबसे पहले, इट्स अ प्रोसेस टू कन्वर्ट जायगोट इनटू गैस्ट्रुला. नो बच्चे, दिस इज नॉट द एम ऑफ द क्लीवेज. एम क्या है, सिर्फ इसको मल्टीसेलुलर बनाना. गैस्ट्रुला बनाने का एम नहीं है, पूरे के पूरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है. देन इट स्टार्ट व्हाइल फर्टिलाइज्ड एग इज इन द फेलोपियन ट्यूब, राइट, बिल्कुल. फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो रीजन में, वहीं पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, द क्लीवेज प्रोसेस, द सेल डिवीजन इज गोइंग टू स्टार्ट. It is identical to normal mitosis, which is false, bacho. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, chromosomes they are dividing, the nucleus is dividing, same number of chromosomes they are reaching to the daughter cell, but bacche the amount of cytoplasm is not same. Cytoplasm का amount क्या हो रहा है, decrease. अगर एक बड़ा cell इतना था तो जब इसके दो cell बन रहे हैं तो दो ऐसे नहीं बन रहे हैं, इसी को divide करके half of cytoplasm आ रहा है. तो cytoplasm content is not same in them, that is why it is not identical to the normal mitosis.
and it does not start when egg reaches the uterus, it starts when it is in the fallopian tube, right? Okay, so हमारे पास stopper है, we have pile, then pile and Pranay on the job, then Jyoti Shukla, then Krishna, Dr. Charu, Himanshu, Dr. Padmavati, Prasoon, Dikshit and Ninja. चलिए next question. Which of the following options has an odd pair? Odd one out निकालना है आपको. Select the odd one out. Sting of honeybee and scorpion, wings of insect and bats, stipules of lithyrus and petiole of acacia, then four legs of frog and human. Odd one out. आपको मैं हिंट देती हूँ, ये क्वेश्चन आया है एवोल्यूशन में से. एवोल्यूशन में एविडेंसेस का क्वेश्चन है, आप निकालिए. 6 सेकंड्स अभी भी हैं. Odd one out. Correct. अरे ये तो आपने सीरीज बना दी है. The correct answer was option number 4. Homologous, analogous organ याद रखने थे. ये देखिए, पहले दो options तो बहुत ही direct थे. Sting of honeybee and scorpion. देखो यहाँ पर function क्या है, दोनों के sting का same है. But the origin is different, right? Wings of insect and bat. यहाँ पर भी क्या है, function is same, that is to fly. But the origin is going to be different. जब फंक्शन क्या होता है सेम, ओरिजिन क्या होता है डिफरेंट, देन दोज ऑर्गन्स दे आर कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन, है ना. देन सेम केस विद ऑप्शन नंबर सी एज वेल. लेकिन जब आप डी देखेंगे, फंक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. फ्रॉग्स अपने फोर लिम्स को जंपिंग के लिए यूज करते हैं. ह्यूमंस वी यूज आवर फोर लिम्स फॉर होल्डिंग एनीथिंग, फॉर राइटिंग मे बी. सो हियर द ओरिजिन इज सेम बट द फंक्शंस दे आर डिफरेंट. So those organs, they are called as homologous organ. तो आपको odd one out निकालना था, odd one out बन जाता option number D. Good morning पूजा. यहाँ पर time ना बिताकर आप सब mentee join करें, वहां पर answer दें तो आपका ज्यादा भला होगा, है ना. चलिए next question. Which of these statement about cancer is incorrect? कौन सी statement incorrect है? ये मैंने अभी पढ़ाया आपको, cancer तो बाहर से answer निकालेगा. Cellular oncogenes are present in the normal cell which have not become cancerous. Next दिया हुआ antibodies against cancer specific antigen are used for detection of cancer. MRI uses magnetic field and ionizing radiation. Cancer can be treated using alpha interferons which activate the immune system. आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राइट, द टाइम इज अप. द करेक्ट आंसर वाज नॉट ऑप्शन नंबर 1, इट वाज ऑप्शन नंबर सी. देखिए हमारे पास ऑन्कोजीन्स है, कौन से हैं, कौन से है बच्चे, कैंसर के केस में हमारे पास कौन से ऑन्कोजीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जिनको मैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी बोल देती हूँ. लेकिन जब तक वो कैंसरस नहीं होते तब तक हमारी बॉडी क्या रहती है, बिल्कुल करेक्ट रहती है. सो दे हैव नॉट बिकम कैंसरस येट. सो एवरीवन, ईच वन ऑफ अस हैज गॉट दोस प्रोटो ऑन्कोजीन्स, बट वो जो जीन है वो क्या है, ऑफ है, ऑफ प्रेजेंट है. अगर वो ऑन हो गया, अगर वो एक्टिवेट हो गया, इन दैट केस ourselves may become cancerous. Then antibodies against cancer-specific antigen can be used for the detection. बिल्कुल ठीक. एक आपको example भी बताई थी यहाँ पे, Herceptin, right? Then D में आपको दिया हुआ था cancer can be treated with alpha interferon, है ना? Alpha interferon, which is a type of, एक word लिखवाया था, biological immune modifier. जो क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स. कौन सी स्टेटमेंट गलत थी, दैट एमआरआई यूजेस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक ट्रू है, बट नॉट द आयनाइजिंग रेडिएशन, इट यूज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. Oh,
Okay, so on the topmost position, we have got Pranay, Payal, Jyoti, Krishna, Charu, Himanshu, Dr. Padmavati, Ninja, and then we have got Dr. Samruddhi as well. Harshita, kaun sa time change karein? Kis time par rakhe session, aap bataiye. Okay, so next question. A simple stirred tank bioreactor has all of the following properties except क्या नहीं है simple tank के पास simple bioreactor it is usually cylindrical with a curved base for mixing the stirrer facilitates even mixing and oxygen availability foam control system is present sterile air bubbles are sparged into the simple stirred tank bioreactor NCERT में दो figures बनी हुई हैं एक सिंपल वाले की और एक स्पार्स्ड वाले की आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं विच इज एब्सेंट एक्सेप्ट पूछा है आपसे यस द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4 ये जो स्पार्स्ड टैंक बायोरिएक्टर है उसमें ऑक्सीजन बबल्स डाले जाते हैं सिंपल वाले में नहीं डाले जाते ऑक्सीजन बबल्स भी क्या करते हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दे हेल्प इन They help the oxygen to reach to all the cells, all the products, all the raw materials which are present in that bioreactor. So, the chopra statement diya hua tha, wo simple ke liye nahi tha, sparge tank bioreactor ke liye tha. Wahan par hum oxygen bubbles ko use karte hain. Okay? After 10:40, Harshita, it is after 10:40 only, right? Pranay, Jyoti, Payal, Krishna, Charu, Shami, Dr. Padmavati, Ninja and Hool, Fatima. Right. So, ye bachche aaye hain hamare leaderboard pe. Kuch naye bachche hain, kuch hamare purane chal rahe hain. Next question. So, RAS is a system involving many organs. Which of these statements about RAS is false? Pehla diya hua hai. It operates in response to decrease in BP. The JG cells releases a hormone, renin, which converts angiotensinogen into angiotensin. Then angiotensin 2 inhibits the release of aldosterone. Angiotensin 2 increases the BP by causing constriction of RDOs. Incorrect बताना है, false बताना है. मैंने तो एक मिनट में ढूंढ लिया इसमें क्या false है. आपने भी बहुत अच्छे से ढूंढ लिया होगा. वैसे तो हम excretory system अपनी daily 2.0 series में कर रहे हैं. वहां से आप और इजी तरीके से जिसको रास नहीं आता ना डू अटेंड दैट डेली 2.0 सीरीज जो हमारी 5 o'clock पर चल रही है दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द स्टेप्स रिलेटेड टू एक्सप्रेशन देखो रास इज अ सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम रेनिन आएगा फिर कौन आएगा एंजियोटेंसिनोजन आएगा फिर अल्टीमेटली किसको आना है एल्डोस्टेरॉन को आना है ओके So, सबसे पहले इट ऑपरेट्स इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विच इज करेक्ट बिकॉज अगर ये काम करेगा तो बीपी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज देन जेजी सेल्स रिलीज अ हार्मोन दैट इज रेनिन दैट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू पेप्सिन एंजियोटेंसिन विच इज ऑल्सो करेक्ट देन चौथे में दिया हुआ था एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर ऑफकोर्स अगर डिक्रीज ब्लड प्रेशर पे काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बीपी को क्या करेंगे ये इंक्रीज करेंगे सो दैट इज ऑल्सो ट्रू False statement kya thi that angiotensin 2 inhibits the release of aldosterone. Maine bola angiotensinogen aayega to ultimately aldosterone ko aana padega. Inhibit nahi karna hai, promote karna hai yahan par. So this statement is false, right? So our Leaderboard includes Pranay, Payal, Jyoti, बाकी सब बच्चे ऑलमोस्ट सेम है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोफाइसिस सेरिब्राई कौन सा नहीं बनता है ग्रोथ हॉर्मोन FSH, ऑक्सीटोसिन ACTH 20 seconds. Not produced by hypophysis cerebri. पहले तो हाइपोफाइसिस सेरिब्राई पता करो कौन है देन ही आंसर आएगा लास्ट 5 seconds आर देयर ओके द टाइम इज नाउ अप आप ऑड वन आउट निकाल के भी गेस कर सकते थे एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट वन
देखो हाइपोफाइसेस किसका दूसरा नाम है? पिट्यूटरी, राइट। सो विच ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी? जीएच एफएसएच तो हमें पता है, दे आर फॉर्मड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। एसीटीएच इज ऑल्सो फॉर्मड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। आपको पता है हाइपोफाइसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो में आपका आ जाएगा एंटीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा? पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा आपका? न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर लोब इज पार्ट ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। लेकिन कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो पिट्यूटरी खुद नहीं बनाता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज एक्चुअली फॉर्मड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन उसको स्टोर कौन करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। द सेम इज इन द केस ऑफ वैसोप्रेसिन, दैट इज एडीएच। एडीएच भी कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस। स्टोर कौन करके रख रहा है? पोस्टीरियर। सिक्रीट आगे कौन करेगा? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो आवर लीडर बोर्ड इज स्टिल द सेम। आगे चलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, दैट इज जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा, इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शन? वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉइड एंड हॉर्मोन सिक्रेशन, और ब्लड प्रेशर? बहुत इजी है ये। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया था दैट ग्लोमेरुलोसा इज एसोसिएटेड विद व्हाट फंक्शन। तीन लेयर्स के नाम बताए थे, 9 सेकंड है आपके पास। टाइम हो चुका है बच्चे, आप करेक्ट आंसर क्या था? इट इज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, ये देखिए। So this was the question. The outermost layer of adrenal cortex called as zona glomerulosa. यहाँ तक statement क्या है? बिल्कुल ठीक है। सबसे बाहर वाली layer कौन सी होती है? तीन layers होती हैं cortex की, ठीक है? तीन बना देते हैं। ये first layer हो गई, right? This is second layer जो thick होती है, then this is third layer, right? So first one is called as glomerulosa. Second is called as fasciculata. And third one is called as zona reticularis. तीनों का क्या है? अलग अलग फंक्शन है। क्या फंक्शन है? अगर मैं बात करूं zona glomerulosa की, this is responsible for releasing mineralocorticoids. और mineralocorticoids कौन है? Like aldosterone. वो क्या maintain करेगा? Water and electrolyte balance. कि कितना sodium है होना चाहिए हमारे blood में और कितना हमें urine के साथ release करना है। तो इस question का तो direct answer आ गया option number A. तो फैसिकुलेटा क्या रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल। रेटिकुलरिस क्या सिक्रीट करता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और इसके अंदर वाली साइड पर क्या आ जाता है? द मेड्यूला पार्ट ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। सिंपल। सो ये था आपका क्वेश्चन। So almost the leaderboard is same, only the position of Ninja and Dr. Padmavati is changed. बाकी सब बच्चे बने हुए हैं। They are constantly giving me right answer. और जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना, who are still searching for Vinod, उनको Vinod नहीं मिलेगा, उनका time जाया हो रहा है। So RNA interference involves, इसके लिए मैंने आपको 40 seconds दिए हैं, यहाँ पर आप time लगाइए। So RNAi में क्या हो रहा है? Silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA that binds and prevents the translation of mRNA. Then silencing of mRNA due to complementary single-stranded RNA. तीसरे में दिया हुआ है silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA that binds and prevents post-translation processing. लास्ट में दिया हुआ है silencing by single-stranded RNA. दो तो 50-50 करके ऐसे निकाल दो, बहुत इजी है। बचे बाकी के दो, उसमें लास्ट की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी थी आपको। ओके, बिल्कुल ठीक। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे करेक्ट आंसर देंगे, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दे दिया। ये देखिए ध्यान से पढ़िए।
सबसे पहले आरएनएआई इज अ मैकेनिज्म इन विच वी आर साइलेंसिंग सम ऑफ द जीन्स, राइट? साइलेंस करना है. साइलेंस किस चीज को यूज करके कर रहे हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो किसके साथ बाइंड कर देगा? द एमआरएनए. अगर एमआरएनए इससे जुड़ गया तो आरएनए की क्या नहीं हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन वुड बी प्रिवेंटेड. अब देखिए इस क्वेश्चन में, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दैट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन व्हिच मेक्स इट एब्सोल्युटली ट्रू. अगले में दिया हुआ था साइलेंसिंग ड्यू टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसकी वजह से ये पहले इनकरेक्ट हो चुका है. Then silencing by double stranded RNA that prevents post-translation processing. ये जो statement है, ये जो word है, ये गलत है. Post-translation processing नहीं, पूरी के पूरी translation prevent होती है. Okay? Right? So this is also false. Then silencing बोली हुई है single stranded RNA, जिसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या है? False. So the only correct option was option number 1. Yes, Sanat, बिल्कुल मैं प्लस पर हूँ. मैंने कल ही कोर्स लॉन्च किया है, कल स्टार्ट हुआ है. परसों स्टार्ट हुआ था क्लास 12th का, जिसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था. कल स्टार्ट हुआ था क्लास 11th का, जिसमें हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है. जस्ट इसी वीक स्टार्ट हुआ है. अगर आप रियली में असली पढ़ाई चाहते हैं, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दैट प्लस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज हमने अभी कोर्स स्टार्ट किया है. इन एवरी सब्जेक्ट न्यू टॉपिक्स आर बीइंग टॉट फ्रॉम चैप्टर 1 टिल लास्ट, सारा सिलेबस कवर होगा. तो आप एक भी दिन वेस्ट ना करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. सो हमारा लीडर जो है वो भी चेंज हो चुका है. वी हैव पायल, ज्योति एंड प्रणय, then Charu, Krishna, Dr. Padmavati, Ninja, Poor Fatima and Shami. Chaliye. Yuvraj code is on the screen, 133516. So endocrine gland that produces somatostatin also produces, aur kya banata hai? Insulin, glucagon, progesterone, estrogen, thyroxin, calcitonin or somatotropin and prolactin. What does endocrine gland produces, which also produces somatostatin. So, nikaliye somatostatin kaun banata hai? So, time is now up. Bahut hi direct question tha. But, aapne phir se kya kari hai? Garbar. Somatostatin is formed by pancreas. देखो, आईलेट ऑफ लैंगरहांस मेजर टिश्यू है, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल. अल्फा सेल में क्या बनाना है? ग्लूकागॉन. दूसरे सेल, बीटा सेल में क्या बनाना है? इंसुलिन. एंड लास्ट वाले सेल्स में क्या बनाना होता है? सोमैटोस्टैटिन. सो अगर सोमैटोस्टैटिन पेंक्रियाज के द्वारा रिलीज हो रहा है, तो कौन वही काम, कौन सा वो ग्लैंड कौन सा है? पेंक्रियाज. वो और क्या रिलीज करता है? दैट इज इंसुलिन एज वेल एज द ग्लूकागॉन. सो ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट 1. Again, our leaderboard is more or less same. Okay, not same. Our topper has changed. We have Jyoti Shukla back on the topmost position. Then Payal, Dr. Charu, Krishna, Ninja, Hood, Fatima, Himanshu and Dr. Padmavati. Chale, aage chalte hain. So, cardiac output is defined as, bahut easy question aa gaya hai. Defined as the amount of blood pumped by left atrium per hour, received by heart in 1 minute, pumped by each ventricle per minute, pumped by both ventricles per second. 18 seconds hai abhi bhi aapke paas, bahut time hai iske liye. Cardiac output ki definition ya fir aap uski equation se answer nikal sakte hain. Equation dekhiye cardiac output ki. Okay. So time is now up. Correct answer tha option number C. Absolutely right. Kuch bachche per hour ke saath bhi chal rahe the. I am shocked to see. So cardiac output is called as, cardiac output is stroke volume into heart rate. Hai na? Stroke volume kya hota hai? Amount of blood pumped by each ventricle during systole. Ek beat mein, ek contraction mein.
अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट, दैट वुड बी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, है ना। पर मिनट कितना हार्ट रेट है हमारा, अराउंड 72 या फिर आप 75 ले सकते हो। तो 70 इंटू हार्ट रेट कर देंगे आप, यू कैन टेक योर हार्ट रेट 72 टू 75, देन अप्रोक्सीमेट आंसर इज गोइंग टू बी 5 लीटर, 70 ml को अगर हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो द करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर सी। We have got Jyoti again, Payal, Charu, Krishna, सब सेम है। हम ऑलमोस्ट हमारी मेंटी के एंड तक आने वाले हैं। द इम्यून रेगुलेटर मॉलिक्यूल प्रोस्टाग्लैंडिंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिंस, बायो मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। ऑलिगोसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स और अमाइनो एसिड, कहां से बनेगा। कमान गूगल नहीं करना है इतने टाइम में, आपको खुद से सोचकर आंसर देना है। ओके, नाउ द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नॉट सी। देखो प्रोस्टाग्लैंडिंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम अराकिडोनिक एसिड विच इज अ टाइप ऑफ फैटी एसिड, सो फैटी एसिड वाला ही आंसर करेक्ट होगा। और फैटी एसिड आपको किसमें दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर टू में, नॉट द स्टेरॉइड। 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज अराकिडोनिक एसिड, वो क्या बनाता है, वो किसमें हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस लिपिड, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिंस। चलिए, आपसे पूछा गया था किससे बनता है, उसका टाइप नहीं पूछा गया था कि किस कैटेगरी में आता है, पूछा गया था प्रोस्टाग्लैंडिंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड दैट इज अराकिडोनिक एसिड। तो एक नया बच्चा ऐड हुआ है हमारे लीडर बोर्ड में, that is Sia, rest of the students they are still the same. Next question, systolic blood pressure of a patient was 140 and his diastolic blood pressure is 90, if it is not controlled it can lead to, देखो 140 by 90 दिया हुआ है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, heart disease, brain hemorrhage, damage to blood vessels or failure in the conducting system, damage to blood vessel of the kidney, इन चारों में से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इफ द ब्लड प्रेशर इज 140/90। ये भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन पर है ये क्वेश्चन, लाइन पर है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर वॉज ऑल द थ्री फर्स्ट ऑप्शन, पहले तीन, ये देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर ब्लड प्रेशर क्या है, इफ ब्लड प्रेशर इज 140/90, that means there is condition of, this is condition of high blood pressure which is called as hypertension, और मैंने आपको सिखाया था that hypertension में three major organs they are affected, सबसे पहला effect किसको आएगा, heart को आएगा क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है pump करने में, दूसरा effect किसको आएगा, brain को आएगा, वहां पर there can be some kind of hemorrhage which may lead to stroke as well, तीसरा इफेक्ट किसको आता है, मेजर इफेक्ट आता है किडनीज को, अभी लाइन कहां पर दी हुई है, एनसीईआरटी में, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ट्रू हो जाएगा, ब्रेन को भी इफेक्ट आ रहा है और किडनी की ब्लड वेसल को भी इफेक्ट आएगा, देयर वोंट बी फेलियर इन द कंडक्टिंग सिस्टम, अगर ये तीनों चीजें अफेक्ट होंगी द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। So we have on the topmost position again, right, Jyoti, Payal, Dr. Charu, Krishna, Hoor, Fatima, Himanshu and Sia. Chaliye, aage chalte hain. So what will be the molecular formula of polypeptide consisting of 10 glycine? Very, very interesting question. Thoda sa chemistry hai isme. 10 ग्लाइसिन अगर जुड़ेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, आप देखिए जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड होता है, क्या कुछ लूज हो रहा है, वो लूज हो रहा है तो उसमें से माइनस होगा, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने,
ओके टाइम हो चुका है अब इसके लिए कॉपी पेन चाहिए था। क्या आप चीटिंग करके आंसर देते हैं? 100 बच्चों ने इसका बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। लेट मी हेल्प रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए ग्लाइसिन की बात की गई है। ग्लाइसिन इज अ नेम गिवन टू अमीनो एसिड व्हिच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड राइट। इस तरीके से होता है ग्लाइसिन सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है अमीनो एसिड। एक साइड पर क्या लगा होता है NH2 ग्रुप, दूसरी साइड पर क्या होता है COH ग्रुप एंड देन वी हैव गॉट H ग्रुप और ग्लाइसिन में जो R ग्रुप होता है वो भी क्या होता है H। तो इन सबको टोटल कर लेते हैं। C कितने हैं यहाँ पर 2, देन आ जाते हैं हम H, H कितने हैं 2, 3, 4, 5 लिख दिया 5। O कितने हैं हमारे पास 1 and 2 लिख दिया 2 और N कितने हैं हमारे पास ओनली 1। सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर ग्लाइसिन, यही बनाना दैट इज C2H5 एंड वी हैव गॉट O2 एंड वी हैव गॉट सिंगल N। अब वो बोल रहे हैं 10 ग्लाइसिन मल्टीप्लाई बाय 10। लेकिन जब ही दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, मान लीजिए ये अमाइनो एसिड है यहाँ पर, ठीक है, दो ग्लाइसिन जोड़ के दिखा रही हूँ, इन्होंने 10 बोला है। जब भी दो ग्लाइसिन जुड़ेंगे देन देयर इज लॉस ऑफ, ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर किसका लॉस होगा, वाटर का। तो अगर दो जुड़ते हैं तो एक वाटर का लॉस होता है, 10 जुड़ेंगे तो कितने वाटर का लॉस होगा, -9 वाटर। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन द आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, 5 जुड़ेंगे तो कितना होगा, यू विल मल्टीप्लाई बाय 5 द फॉर्मूला बाय 5 एंड यू विल सब्सट्रैक्ट 4H2O। तो जितने अमाइनो एसिड जुड़ते हैं उसमें से एक कम आप माइनस करेंगे इन केस ऑफ वाटर, बिकॉज व्हेन टू अमाइनो एसिड जॉइन देयर इज लॉस ऑफ 1 वाटर। सो व्हेन द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड दे विल जॉइन देयर विल बी लॉस ऑफ 9 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन वी स्टिल हैव गॉट पायल। ओके, हमारा जो लीडर है वो चेंज हो चुका है, ज्योति शुक्ला, शायद तुमने इसका ठीक आंसर नहीं दिया है। पायल इज नाउ आवर लीडर, डॉक्टर चारू, कृष्णा, पद्मावती, हूर फातिमा, हिमांशु, सिया एंड ज्योति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is the last question. Last question is a deciding question. Which of the following is incorrectly matched with its characteristics? Pehla diya hua trigon poison stain chondrichthyes, scolidon ampulla Lorenzi chondrichthyes, exocetus pectoral fin is large osteichthyes, hippocampus parental care chondrichthyes. Which of the following is incorrectly matched? 15 seconds abhi bhi bache hain. Last question. The deciding question. ओके, इनकरेक्ट पूछा था आपसे, द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर 4 बच्चे, लास्ट डी ऑप्शन। ये देखिए, ट्राइगन इज कॉल्ड अ स्टिंगरे और पॉइजन स्टिंग विच इज अ टाइप ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस। स्कॉलिडॉन के पास क्या होता है, एम्पिल ऑफ लोरेंजी कॉन्ड्रिक्टिस, बिल्कुल ठीक है, फीचर्स दिए हुए हैं। एक्सोसीटस इज अ फ्लाइंग फिश, पेक्टोरल फिन इज लार्ज एंड दैट इज अ टाइप ऑफ ऑस्टिक्टिस। हिप्पोकैम्पस में जो मेल है, मेल शोज पैरेंटल केयर, कौन शो करता है, द मेल पार्ट, ठीक है, दैट इज अ सी हॉर्स, बट दैट इज नॉट कॉन्ट्रिक्टीज, वो किस में आते हैं, ऑस्टिक्टीज में आते हैं। सो द इनकरेक्ट वन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर था डी। हम चलते हैं हमारे विनर पर। द विनर ऑफ टुडेज मेंटी इज गोइंग टू बी राइट, सो द विनर इज पायल। मुझे लगता है मेंटी उसको विनर चूज करता है जो लास्ट में ठीक आंसर दे देता है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जो टॉप पर होता है, जनरली दैट पर्सन इज द विनर। बट यस पायल, यू हैव कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड, आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर में यू वर देयर ऑन द लीडर बोर्ड। देन डॉक्टर चारू, कृष्णा, निंजा, हूर फातिमा, हिमांशु, सिया एंड ज्योति शुक्ला ऑल्सो, वेरी वेल डन। चलिए, सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ अवर इवनिंग क्लास। जैसे मैं आपको बता रही थी दैट इवनिंग में द सीरीज इज नीट लाइक डेली 2.0, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सक्रीशन, कल ही स्टार्ट किया है। आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है रिगार्डिंग द होल एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो जरूर आइएगा 5 o'clock एंड बेस्ट ऑफ द सेशंस यू कैन सी टाइम इज आपकी स्क्रीन पर है. मंडे टू वेंसडे इज द टर्न ऑफ क्लास 11, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज द टर्न ऑफ क्लास 12. टेलीग्राम में बच्चे अन अकेडमी नीट का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए. कैसे करना होगा? livedaily.me/chat. अगर आप ये चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारे सेशंस की, हमारे चैनल पर जितने भी क्लासेस होती हैं, उनकी सारी नोटिफिकेशंस टाइम में मिलती रहेगी. यू कैन ऑल्सो एक्सेस आवर प्रीवियस PDFs, प्रीवियस वीडियोज. जो पिछले साल वाला मटीरियल है आप वो इस लाइब्रेरी से ले सकते हैं, दैट इज livedaily.me/neet. अब बात करते हैं बच्चे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की. अब सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारा सिलेबस शुरू से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कवर होता है. सेकंड थिंग, सारी की सारी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर लाइव फॉर्म में होंगी. आप अपने टीचर को देख पाओगे, आप अपने टीचर से डाउट पूछ पाओगे, इंटरैक्ट कर पाओगे. क्लास के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, दे आर आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ पोल्स. अब वो पोल्स क्या बताते हैं? पोल एक तो आपको सिखाएंगे कि कम समय में कैसे आंसर देना है. दूसरी चीज, यू विल गेट टू नो अबाउट योर पोजीशन इन द लीडर बोर्ड ऑफ दैट क्लास. क्लास में तो हमें अपनी पोजीशन पता चल गई, व्हाट अबाउट आवर पोजीशन इन द होल कंट्रीज. जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, कितने बच्चों ने देना है, अराउंड 17 लाख स्टूडेंट. वो आपको कहाँ से आइडिया लगेगा? फ्रॉम द टेस्ट सीरीज विच इज गिवन बाय द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री. सो इफ यू विल टेक पार्ट इन दिस टेस्ट सीरीज, तो आपको अपनी रैंकिंग के बारे में पता चलेगा. आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, क्योंकि हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सीरीज इज देयर. सो वो आपको बताएंगे कि फिजिक्स में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर केमिस्ट्री में, या फिर हमें ज्यादा मेहनत बायोलॉजी में करने की जरूरत है. नाउ द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस सब्सक्रिप्शन इज द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. देखो, जैसे थ्योरी क्लास लाइव होती है ना, वैसे ही देयर वुड बी सेपरेट क्लासेस फॉर डाउट क्लियरिंग, जिसमें आपको अपने डाउट की पिक क्लिक करनी है. यू हैव टू अपलोड दैट पिक एंड आफ्टर यू विल अपलोड इट विल रीच द टीचर एट द सेम टाइम लाइव क्लास में, और वहां पर टीचर विल रिजॉल्व योर डाउट. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और डाउट बच्चे आप तो सीखेंगे ही सीखेंगे उस डाउट से, पूरी की पूरी क्लास भी आपके डाउट से बेनिफिट लेगी. नाउ अनदर यूनिक थिंग अबाउट दिस अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन इज द फ्रीडम टू चूज योर ओन बैच. देखो, अन अकेडमी के पास there are top most 75 plus educators on this platform. Every teacher has lots of knowledge. So once you become part of the subscription, you can take that knowledge from any one of your choice. आप चाहे तो क्लास 11th के बैच में एंट्री ले सकते हैं, आप चाहे तो 12th वाले में पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो किसी और टीचर से पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकते हैं. There is complete freedom to choose your teacher, freedom to choose your batch. ऐसा कहीं भी नहीं होता, because we believe कि बच्चे को, स्टूडेंट को, we should not deprive. All the options, they are open to you. From wherever you want to grab that knowledge, you can grab. अब अगर इतने benefits हैं, तो कैसे लेना होगा ये subscription? सबसे पहले जाइएगा Play Store में, download An Academy Learning App. Download करने के बाद जाइए Plus section में. Plus में क्लिक करेंगे तो आएगा Neet UG. Neet UG में आएगा Get Subscription. अब subscription में जाने के बाद आपको बहुत सारे courses दिखेंगे. So which course is going to be beneficial for you? देखो बच्चे, अगर तो आप क्लास 11th में हैं, if you are in class 11th or even if you are in class 10th, then the best course for you is 24 months, that is 2-year course. क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि आपके पास वक्त है, उस वक्त को properly use कीजिए, एक भी दिन आप waste मत करिए. 2 year में, at least 2 years will take for completion of whole syllabus of class 11th as well as class 12th. और यही कोर्स ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा रीजनेबल पड़ेगा. If I talk about class 12th, अगर आप 12th में आ चुके हैं या फिर ईयर ड्रॉप का प्लान ले रहे हैं, then you can go for 1 year course. और जो बच्चे हमारे साथ क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, they can go for 3 months as well as 6 months subscription. देखिए, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, बट द बेस्ट टू ऑप्शंस दे आर गोइंग टू बी 1 year एंड 2 year. 11th वाले बच्चों आपके लिए 2 year, 12th वाले बच्चों देन यू हैव गॉट 1 year कोर्स. बिकॉज टाइम लगता है, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बट द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई. सो यू नीड दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन जहां पे आपने हर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हो. आप जो भी कोर्स लेंगे ना, ऑल्दो द कोर्सेज आर हाईली अफोर्डेबल, सबसे आपको रीजनेबल कौन से पड़ेंगे? 1 year एज वेल एज 2 year. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आपको दिखेगा कि द अमाउंट इज स्लोली एंड स्लोली इंक्रीजिंग.
जो भी कोर्स लेंगे डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड दैट इज सीक लाइफ. If you will use this code at the payment option, आपको क्या मिलेगा 10% extra off on the total amount. जो भी कोर्स लेंगे जल्दी ले लीजिए. पेमेंट पे जाने के बाद एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है इफ यू विल यूज दिस कोड. सो डू नॉट फॉरगेट, इजी सा नेम है स्टेप लाइव, यू कैन लर्न दिस. इंजीनियरिंग वाले बच्चों आपके लिए हमारे पास है अनअकैडमी जेई फॉर क्लास 9 एंड 10, एनटीएसी एस्पिरेंट्स, एनएसओ एस्पिरेंट्स, 10th बोर्ड्स के लिए अनअकैडमी क्लास 9th एंड 10th, और जो बच्चे स्कूल की प्रिपरेशन चाहते हैं अनअकैडमी क्लास 11th एज वेल एज 12th फॉर 12th बोर्ड्स एज वेल एज 11th स्कूल. आज का सेशन अच्छा लगा तो वन शेयर, वन लाइक, वन सब्सक्राइब, ये हर सेशन पे आप रूल बना लीजिए. एंड डू प्रेस द बेल आइकन, इफ यू विल प्रेस दिस तो आपके पास हमारे सारे सेशंस की नोटिफिकेशन आती रहेगी. I will see you in the evening, top 5 o'clock, with another session of expiry system, जिसमें हम proper system का structure देखने वाले हैं, anatomy देखने वाले हैं, kidneys की, ureter की, urinary bladder की, everything related to the expiry system in the evening, 5 o'clock. तब तक के लिए बच्चे take care, and जब भी आप subscription लेंगे, extra 10% off मिल सकता है, if you will use this code that is sleep night. I will see you in the evening. Till then, bachos.